मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं क्षमा चाहूंगा कि थोड़े लेट हो गए हम। जैसे डॉक्टर प्रदीप जो मीडिया के इंचार्ज हैं, उन्होंने जिस प्रकार से इंट्रोडक्शन करवाई है, मैं अपने ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये मेरी माटी मेरा देश, जो बहुत ही एक एम्बिशियस और हर घर को टच करने वाला जो कार्यक्रम है, उसको लेके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वही आज का मुद्दा है। मैं जम्मू कश्मीर का प्रभारी होने के जो इंचार्ज होने के नाते, संयोजक होने के नाते, और मेरे साथ रशपाल वर्मा जी, जो कि हमारे वाइस चेयरमैन थे एमओएस स्टेटस, वो उसके को कन्वीनर हैं। एक को कन्वीनर हमारे आरएस पठानिया जी, पूर्व विधायक, वो भी को कन्वीनर हैं। तो साथियों, ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, जो हम हमारी स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उसके मद्देनजर ये कार्यक्रम चल रहा है। कार्यक्रम सरकारी है, सरकार की ओर से ये कार्यक्रम चल रहे हैं। सरकार की ओर से रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, कल्चरल मिनिस्ट्री, इसी प्रकार से नेहरू युवा केंद्र, बाकी जितने भी यूथ जो ऑर्गेनाइजेशन जो अलग अलग एनजीओ हैं, उनके द्वारा सरकार के अहलकार जो है इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक जिम्मेवार शहरियों की पार्टी होने के नाते, और क्योंकि ये सीधा सीधा कार्यक्रम जो है भारत की एकता अखंडता, हर भारतवासी 140 करोड़ भारतवासियों के साथ जुड़ा हुआ है, भारत के शहीदों के साथ जुड़ा हुआ है, भारत के जो सेलिब्रिटीज हैं उनके साथ जुड़ा हुआ है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने यह तय किया कि भारतीय जनता पार्टी जो है अपना पूरा योगदान देके इस कार्यक्रम में सरकार का सहयोग करेगी। उस नाते पार्टी ने जो हम लोगों को जिम्मेवारियां दी, तो हम जो है 1 सितंबर से, पहले ये कार्यक्रम जो पहला फेज हो गया है, जिसमें 14 अगस्त था, उसमें विभाजन की विभीषिका, हर घर तिरंगा, ये कार्यक्रम हुए हैं और बहुत ही सफल कार्यक्रम हुए। अभी जो मेरा देश मेरी मिट्टी मेरा देश, ये जो कार्यक्रम है ये 1 सितंबर से शुरू हुआ है और 4 फेजेस में यह कार्यक्रम होगा। एक फेज है 1 सितंबर से लेके और 15 सितंबर तक चल रहा है, जिसमें हम हर घर में जाएंगे, कोशिश है कि हर घर में जाएंगे। उसकी शुरुआत हमने जो जम्मू कश्मीर में शहीद हुए हैं, उन शहीदों के घर की मिट्टी लेके अलग अलग स्थानों के ऊपर, अलग अलग पंचायतों में यह कार्यक्रम शुरू हुए। उसकी मैं फिगर्स भी, जो अभी तक हमारे पास कलेक्ट हो पाएंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। हमारे जम्मू जिला में सभी जिला जो सरकारी जिले हैं उनमें, और पार्टी के जो 17 जिले हैं, सभी जिलों में यह कार्यक्रम शुरू हो गए हैं। और इसमें ये मैं बताऊंगा कि अभी तक 400 पंचायतों में यह कार्यक्रम शुरू हो गए हैं, अभी तक जो रिपोर्ट है, अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं। और लगभग 190 शहीद परिवारों से अलग अलग स्थानों के ऊपर वो मिट्टी जो है, उनके घर से मिट्टी हमने जो है उसका संग्रह किया है। जैसे मैं कुछ उदाहरण दूंगा, किश्तवाड़ में श्री तेजराम ठाकुर,
उनका घर नाम गए तो देखिए कैसे कैसे हमें अनुभव हो रहे हैं। श्री तेजराम ठाकुर वो आज़ाद हिंद फौज में सुभाष चंद्र बोस जी के वो ड्राइवर थे, उनका एक बेटा आर्मी में था, वो यहाँ अरुणाचल प्रदेश में चाइना के साथ लड़ता लड़ता शहीद हो गया। एक दूसरा बेटा वो आर्मी भी था लेकिन आर्मी में ही सर्व करते हुए वो बीमारी से वो चल बसा। एक बेटा उनका जो था वो सिविलियन था, तो ठाकराई के पास जब मिलिटेंसी थी टेररिज्म था तो उस ठाकराई के पास वो बस में था, तीन उग्रवादियों ने उस बस का जो हाईजैक कर लिया, उसने वो भिड़ गया, दो उग्रवादियों को उसने पकड़ लिया और उसके बाद जो है ये तीसरे उग्रवादी ने उसको गोली मारी तो वहां शहीद हो गया। विडंबना देखिए, उस आजाद हिंद फौज में सुभाष चंद्र बोस जी के जो ड्राइवर है उसके तीन बेटे, तीनों बेटों का उसने खुद संस्कार किया। दूसरा उदाहरण हमें मिला क्या, तनवीर मीर जो शहीद हो गए वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता थे, क्योंकि वो जमहूरियत में विश्वास करते थे और वो जो है भाईचारे में विश्वास करने वाला व्यक्ति, उसको भी जो है उग्रवादियों ने मार दिया। हम उसके घर में भी मिट्टी लेने के लिए गए।